उत्तर प्रदेश के बरेली में स्कूल में फीस पूरी न जमा होने पर छात्रा ने फांसी लगाकर दी अपनी जान। नाइन्थ क्लास में पढ़ती थी तो इनकी फीस हमारे यहाँ बकाया थी, तो मैंने पहले पेपर इनसे बड़ा विनती करी थी, इनने पहला पेपर दे दिया था, तो उसके बाद फीस नहीं दे पाया था। मैंने इनसे कही थी कि मेरे इस बार पेपर दिलवा दो, अब तक निभाया और निभा दो, पेपर दिलवा दो, अप्रैल से नया एडमिशन मत लेना। तो इनने उस चीज़ को नहीं माना और इनने मना कर दी मुझसे पेपर के लिए। खुशी में आकर टेंशन में इसने फांसी लगा ली। कितनी फीस थी? फीस होगी लगभग 20-25 हज़ार होगी। तो क्या कारण था, क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्या सर जी, कुछ हालात ऐसे थे, नहीं कमाई हो पाई थी, नहीं दे पाए थे। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, कौन सा स्कूल है? सूरजमुखी इंटर कॉलेज। बच्ची की उम्र कितनी होगी? लगभग 14 साल होगी, 12-13-14। स्कूल वालों से भी रिक्वेस्ट की थी? जी जी जी, हमने पर्सनल बात भी उनसे करी जाकर, फिर भी उनने हुआ, प्रिंसिपल से हुई थी, क्लास टीचर से, सभी से हुआ, जितने टीचर थे उनसे बात हुई थी। क्या कहा? तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने इस बार पेपर दिला दो, बकाया मैं फीस आपको मार्च में दे दूँ, तो नया एडमिशन लेना ना बनना मत लेना, जब आपने इतना निभाया तो इतना और निभा दो। तो उनने इस चीज़ को माना नहीं। ये बात कब कही थी? अरे फिर क्या हुआ? जो पहले पेपर गए तब भी गई थी, उसके बाद लड़की चली आई, लड़की फिर आज फिर पेपर हुआ था इसका, तो उसे जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसे मैंने मना कर दी, मेरे पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। तो उनने पिछली पेपर नहीं दे दिया, इस चक्कर में इसने टेंशन में लगा ली। किस तरह से ये मुझसे आकर, मैं इस रूम में बैठा था, दूसरे रूम में आई तो मैं 2 मिनट बाद देखा तो ये फांसी धोती का फंदा लगा टंगी हुई थी पंखे से। क्या लग रहा है कि चीज़ नहीं जमा कर पाए इसलिए परेशान? हाँ, पेपर के चक्कर में पेपर दे देती, कुछ नहीं होता। क्या बनना चाहती थी ये पढ़ के? डॉक्टर की फोर्स करना चाह रही थी। आप बता दो, डॉक्टर बनना चाहती थी? हाँ भाई, देखिए इस संबंध में जो नवीं क्लास की छात्र है 14 वर्षीय, जिसने आत्महत्या कर ली, उसका शव पुलिस ने कस्टडी में लेके पंचायतनामा भरने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया है, और जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र मिलता है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई कीजिए। अभी तक क्या जानकारी में है, क्या कारण रहा है आत्महत्या के पीछे? देखिए, आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर और घर वालों से और स्कूल प्रबंधन से बात करके जाँच के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा कि आत्महत्या का कारण। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।